अयोध्या जनपद के थाना इनायत नगर के गांव हल्ले द्वारकापुर में 24 जून को ग्राम प्रधान देवशरण यादव की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। ग्राम समाज की जमीन को लेकर हत्या भी की गई थी। हत्या का आरोप गांव के एक परिवार पर लगा था। हत्या के बाद मृतक ग्राम प्रधान के समर्थकों ने आरोपियों के घरों में आगजनी व तोड़फोड़ भी किया था। पुलिस को बामुश्किल हालात पर काबू कर पाई। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से ग्राम में दहशत का माहौल पैदा हो गया। तब से यह घटना राजनीतिक रूप लेती जा रही है। पहले समाजवादी पार्टी के प्रादेशिक नेता गांव पहुंचे, फिर बीजेपी नेता भी पहुंचे। मामला दो जातियों यादव और ब्राह्मण में बढ़ गया। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी पहुंचे, जहां पर घटनास्थल गांव जाने की तैयारी करने लगे। जिला प्रशासन ने 144 धारा का हवाला देते हुए उनको वहां पर सर्किट हाउस में रोक लिया गया। शिवपाल यादव ने सर्किट हाउस में मृतक ग्राम प्रधान देवशरण यादव के परिजनों से मुलाकात किया। शिवपाल यादव ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। शिवपाल ने कहा कि ये हत्याएं लगातार हो रही हैं, कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। ग्राम प्रधान देवशरण यादव हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया कि वह पीड़ित परिवार के साथ न्याय करें, दोषी हत्यारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करें, पीड़ित परिवार वारिसदारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, पीड़ित परिवार की आर्थिक व्यवस्था भी की जाए। शिवपाल यादव ने उड़ती खबरों जिसमें समाजवादी पार्टी में वापस जाने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया। शिवपाल ने कहा कि सपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी है, बनी रहेगी। योगी जी से हमें हमारी यही मांग है, हमारी सबकी जो जितने लोग हमारे साथ आए उनकी यही है, इससे बिल्कुल जो दोषी हैं उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो झूठा मुकदमा लिखा गया है आगजनी का, ये तो उन्हीं लोगों ने लगाई और भाग गए। आपको लग रहा है योगी सरकार फेल होती नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर और परिवार के लोगों को आर्थिक मदद की जाए, आर्थिक और जो झूठा मुकदमा लिखा गया है उसे स्पष्ट किया जाए, ये हमारी मांग है। शिवपाल जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहते हैं? कानून व्यवस्था बहुत सुधारने की जरूरत है और ये सरकार कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहा है। अब आप लोग देख ही रहे हो इस व्यवस्था को, लेकिन कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है सरकार। शिवपाल जी, एक सवाल अभी बीच में उठा था शायद कि इसमें वार्ता हुई है, क्या आपकी वापसी भी ऐसी होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी से अभी हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमने कह भी चुके हैं कि हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। देखिए, हमने जब कहा कि हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, नेताजी को देखने तो हम रोज जा रहे हैं। नेताजी का अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन हम रोज जा रहे हैं, उससे तो कहा नहीं अस्वस्थ हैं। एक बजट में कोई खास जनता के लिए नहीं कुछ आया है, कोई जनता के साथ नहीं, केवल टैक्स पर टैक्स ही बढ़ा है, किसान के लिए, गरीब के लिए, हमें तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया है, कोई सुविधा दिखाई नहीं दी। सर ये समाजी के नहीं होता पूछे। आज क्योंकि अयोध्या जिले में धारा 144 लागू है, क्या हम जाएंगे पीड़ित परिवार के साथ उस घटनास्थल को देखने के लिए? क्या करेंगे? देखिए, हम आए तो वहाँ गांव जाने के लिए, और पीड़ित परिवार को यहीं बुला लिया गया है प्रशासन के लोगों ने, प्रशासन के लोग, अब जो भी उस परिवार के लोग जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं।